आज हम लोग बात करने जा रहे हैं मिनिमम एंड मैक्सिमम एल्गोरिथम विदाउट यूजिंग डिवाइड एंड कंकर रूल। हम लोग बिना डिवाइड एंड कंकर के इस्तेमाल किए बिना हम लोग मिन मैक्स एल्गोरिथम का इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास एक एल्गोरिथम है जिसमें ये दिया गया है कि फॉर आई इक्वल टू टू, यानी कि हम लोग जो भी नंबर को हम लोग मिनिमम मैक्सिमम फाइंड करेंगे, जो एरे में हम लोग जो वैल्यू स्टार्ट करेंगे आई इक्वल टू टू से लेंगे। ठीक, हमारे पास ये एरे है, ठीक, इसमें वैल्यू है 34, 55, 260 और 12। ठीक, हम लोग जो स्टार्ट करेंगे मिनिमम फाइंड करना वो करेंगे इंडेक्स नंबर टू पे, यहाँ से आई टू से करेंगे। ठीक, अगर हम लोग इंडेक्स नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कर लेते हैं तो इंडेक्स नंबर टू पे हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो हमारा एल्गोरिथम लिखा फॉर आई इक्वल टू 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 एन, एन कहाँ तक, लास्ट तक। ठीक, लास्ट तक वैल्यू है एन तक करेंगे। ठीक, तो हमारे पास ये लास्ट तक हो गया। हम लोग मिन मैक्स एल्गोरिथम यूज करने के लिए हम लोग दो वैल्यू लेते हैं, कौन सी, एक लेते हैं मैक्सिमम वैल्यू, दूसरी लेते हैं मिनिमम वैल्यू। ठीक, स्टार्टिंग में एट द स्टार्टिंग अगर हम लोग देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, टू से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम लोग जो पहली वैल्यू होगी वो मिनिमम भी होगी और वो ही वैल्यू मैक्सिमम भी होगी। ठीक, जो पहली वैल्यू होगी एरे की वही होगी मैक्सिमम वैल्यू और वही होगी मिनिमम वैल्यू स्टार्टिंग में ही। ठीक, हम लोग एरे से जो एल्गोरिथम लिखी हुई है इससे हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे आई इक्वल टू टू। ठीक, तो हमारे वैल्यू का आई इक्वल टू टू यहाँ से हो गई। ठीक, और कहाँ तक जा रही है, एन तक, तो एन तक जा रही है। ठीक, डन। ठीक, एन तक जा रही, डन। लिखा इफ नंबर आई, मतलब आई कौन सा, मतलब ये नंबर फोर, नंबर आई का मतलब हो गया यहाँ पे फोर, फोर वैल्यू क्या ग्रेटर देन है किससे, मैक्सिमम वैल्यू से। मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 30। क्या फोर जो क्या है, फोर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30, नहीं, छोटी है। ठीक, ये फॉल्स हो गया कंडीशन। ठीक, कंडीशन फॉल्स हो गई तो हम लोग एल्स पार्ट में चलेंगे। एल्स पार्ट में देखेंगे जो नंबर है, क्या नंबर जो है वो लेस देन इक्वल टू 30 है, ये कंडीशन हो गई। ठीक, हाँ ये ट्रू है, तो हम लोग क्या करेंगे मिनिमम में, मिनिमम को क्या कर देंगे, अब वो जो नंबर हम लोग का था, नंबर आई क्या था अभी यहाँ पे, फोर था, तो फोर को ही हम लोग मिनिमम मिनिमम वैल्यू असाइन कर देंगे। तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू कितनी थी, 30 थी, तो इसको हम लोग हटा के यहाँ पे लिख देंगे फोर वैल्यू। फोर करने के बाद अब ये आगे मूव कर जाएगा, अब ये हो गया 50 के पास, 50 नंबर, नंबर आई की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे, 50 हो गई। ठीक, 50 फिर स्टार्टिंग यहाँ से करेंगे। ठीक, इफ नंबर आई, नंबर आई कितनी वैल्यू है, 50 इज ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्सिमम, 50 इज ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्सिमम 30, वैल्यू कितनी है मैक्सिमम की, 30 है, और 30 बड़ा मतलब 30 छोटा है 50 से, तो हम लोग क्या करेंगे मैक्सिमम को हम लोग क्या कर देंगे, जो नंबर आई है उसी को हम लोग क्या बना देंगे, मैक्सिमम बना देंगे। तो हम लोग इसको 30 को हटा के नंबर की वैल्यू को ही यहाँ पे असाइन कर देंगे। ठीक, वैल्यू क्या होगी, 50 हो गई। अब ये मूव कर जाएगा आगे। ठीक, अब यहाँ पे हमारा कर्सर आ गया, अब क्या चेक करेगा कि नंबर आई की वैल्यू क्या हो गई, नंबर आई की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे, 5 हो गई। नंबर आई की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे, 5 हो गई। ठीक, नंबर 5 वैल्यू हो गया, फिर यहाँ स्टार्टिंग चेक करेगा, इफ नंबर आई ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्सिमम, मैक्सिमम की वैल्यू कितनी, 50 है, तो मैं क्या कह रहा है, 5 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 50 है, नहीं, फॉल्स हो गई कंडीशन। कंडीशन फॉल्स हो गई तो कौन से पार्ट में आएंगे, एल्स पार्ट में आएंगे। एल्स पार्ट में क्या बोलेगा, इफ नंबर आई लेस देन इक्वल टू मिनिमम, मिनिमम कितनी है, 4, मिनिमम कितनी है, 4 है, तो क्या 5 इज लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन फॉल्स, कंडीशन फॉल्स हो गई तो वापस चला जाएगा। ठीक, तो ये एज इट इज वैल्यू एज इट इज ही रहेगी, वैल्यू में कोई छेड़खानी नहीं होगी। ये फिर क्या कर देगा, आगे मूव कर जाएगा, आगे मूव करने के बाद अब नम की वैल्यू क्या होगी, नंबर आई की वैल्यू क्या हो गई, नंबर आई की वैल्यू हो गई 2। ठीक, अब फिर स्टार्टिंग से शुरू करेगा, यहां से स्टार्ट करेगा। ठीक, चेक करेगा नंबर आई, नंबर आई ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्सिमम, मतलब 2 क्या है, बड़ा है, कितना मैक्सिमम, मैक्सिमम की वैल्यू कितनी, 50 है, तो छोटा है 2, छोटा है। ठीक, तो क्या करेगा, ये एल्स पार्ट में आएगा, एल्स पार्ट में चेक करेगा कि नंबर आई, आई क्या है, 2 है, 2 क्या है, 2 किससे, लेस देन इक्वल टू मिनिमम, मिनिमम को वैल्यू कितनी, 4, क्या 2 लेस देन इक्वल टू 4 से है, हाँ, ये कंडीशन ट्रू हो गई। अगर ट्रू हो गई तो हम लोग उस नंबर को ही हम क्या बना देंगे, मिनिमम बना देंगे। तो नंबर क्या है, 2 है, 2 को ही हम लोग क्या बना देंगे, मिनिमम, मतलब 4 को हटा के यहाँ लिख देंगे 2, अब 2 लिख देंगे, ये कर देगा आगे मूव कर देगा। ठीक, आगे मूव कर जाएगा, आप देखिए आगे मूव करने के बाद देखिए कि नंबर आई की वैल्यू अब क्या हो गई, नंबर आई की वैल्यू क्या हो गई, 60 हो गई। ठीक, 60 स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे,
नंबर आई इक्वल टू 60, 60 ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्सिमम, मैक्सिमम कितना है 50, 60 बड़ा 50 से, हाँ बड़ा है, कंडीशन क्या हो गई ट्रू हो गई, कंडीशन क्या हो गई ट्रू हो गई, तो मैक्सिमम जो नंबर आई की वैल्यू को क्या बना देंगे मैक्सिमम बना देंगे, नंबर आई की वैल्यू कितनी थी 60 थी और मैक्सिमम वैल्यू पहले वैल्यू कितनी थी 50 थी, इसको हटा के क्या कर देंगे यहाँ पे 60 कर देंगे, ठीक। 60 करने के बाद फिर ये क्या कर देगा आगे मूव कर जाएगा, ठीक। आगे मूव करने के बाद अब क्या हो गई, अब देखिए ना आगे मूव जैसे करेंगे हम लोग, नंबर आई की वैल्यू क्या हो गई, नंबर आई की वैल्यू अब यहाँ पे हो गई 12, ठीक। अब कंडीशन चेक करते हैं, नंबर आई ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्स, मतलब 12 ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्सिमम, मैक्सिमम की वैल्यू कितनी हो गई अब 60, क्या 60 12 बड़ा 60 से, नहीं, अब कंडीशन फॉल्स हो गई, तो ये क्या आ गया एल्स पार्ट में आ गया, एल्स पार्ट में आने को चेक करेगा इफ नंबर आई मतलब 12 इज लेस देन इक्वल टू किसके मिनिमम, मिनिमम की वैल्यू कितनी है 2 है, 2 क्या 12 लेस देन 2 है, नहीं, कंडीशन फॉल्स हो गई, ये क्या आ गया बाहर आ गया, रिटर्न क्या कर देगा मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू को रिटर्न कर देगा, मैक्सिमम मैक्सिमम और मिनिमम की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, अब हमारा आंसर निकल के आ गया क्या, मैक्सिमम की वैल्यू कितनी है 60 और मिनिमम की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2, मिनिमम की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो ये हमारा आ गया मिनिमम मैक्सिमम की वैल्यू विदाउट यूजिंग डिवाइड एंड कंकर इज रूल। आपको सिर्फ क्या करना है, सिर्फ एल्गोरिथम देख के चलना है, और स्टार्टिंग वैल्यू हमेशा हम लोग जब भी 2 से स्टार्ट करेंगे आई इक्वल टू 2 से एन तक, तो पहली मिनिमम पहली वैल्यू क्या होगी, जो भी वैल्यू होगी पहली वही हमारी मैक्सिमम होगी पहले, और वही हमारी वैल्यू क्या होगी मिनिमम, जैसे हम इस कंडीशन में क्या थी 30 वैल्यू हमारी स्टार्टिंग में मैक्सिमम भी थी, और 30 वैल्यू हमारी क्या थी मिनिमम थी, हम लोग नंबर कहाँ स्टार्ट किए थे आई इक्वल टू 2 से, मतलब यहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया था लूप चलाना, ठीक। अब बता दें आपको बेस्ट केस की बात करें तो हमारे बेस्ट केस में एन माइनस 1 हो गया, ठीक। क्यों हो गया, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं इस लूप को चेक कर क्या जा रहे हैं, मतलब हमें मान लीजिए कि स्टार्टिंग में ही हमारी मैक्सिमम वैल्यू मिल गई, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू मिल गई, ठीक, वही हमारी मैक्सिमम वैल्यू है मिनिमम वैल्यू, तो हमारा एन माइनस 1 हो गया। वर्स्ट केस क्या हो गया कि हम लोग क्या है, जो भी पार्ट जो भी वैल्यू मिल रही है वो एल्स कंडीशन चेक करने पे बाद में, मतलब ये कंडीशन चेक करने के बाद एल्स कंडीशन को चेक कर रहे हैं, एल्स कंडीशन में सारी वैल्यू मिल रही है, ठीक, तो वो हमारा वर्स्ट केस हो गया। वर्स्ट केस की वैल्यू आ गई 2 ब्रैकेट में एन माइनस 1 आ गई, क्योंकि हम लोग जो वैल्यू फाइंड हो रही है वो इस कंडीशन में मिल रही है एल्स कंडीशन में, और एल्स कंडीशन मिल नहीं मगर हम लोग जो लूप चला रहे ये भी तो चला रही है, ये भी कंडीशन चेक करें ना, मतलब कंडीशन हमारी दो बार चेक हो रही है, तो वर्स्ट केस में क्या वैल्यू आ गई 2 एन माइनस 1, ठीक।